अच्छा भाई, हमारा लास्ट लेसन जो एंड हुआ था, दैट वाज बेसिकली ऑन द आइडिया ऑफ करंट्स अट्रैक्टिंग एंड रिपेलिंग वन अनदर ना. उसके अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना सीखी थी कि किस तरीके से दो वायर्स जो एक ही डायरेक्शन में करंट ट्रैवल करवा रहे हो या ऑपोजिट डायरेक्शंस में जिनमें करंट ट्रैवल कर रहा हो उनके अराउंड की मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश कैसे होती है. और मैंने कहा था कि ये फील्ड टेक्निकली बनाने को तो नहीं आती है सच, लेकिन ये जरूर है कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि अगर लाइक करंट है उनकी फील्ड किस तरह की दिखेगी और अनलाइक करंट की फील्ड किस तरह से दिखेगी, जिससे हमने ये कंक्लूड किया था कि क्यों लाइक करंट अट्रैक्ट करते हैं और अनलाइक रिपेल करते हैं. आज का जो लेसन है वो फोकस्ड है एप्लीकेशन के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की. कुछ ऐसे डिवाइसेज हैं हमारे पास जिनमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करते हैं. कुछ डिवाइसेज थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, कुछ थोड़ी सिंपल, लेकिन इनका जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभार एग्जामिनर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के एप्लीकेशन बेस्ड कॉम्पोनेंट्स को आपके पेपर में असेस करता है. ठीक है, तो हम वन बाय वन चलेंगे. मैं इजी वाले मेथड से शुरू करूंगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको डिफिकल्टी की तरफ लेकर आऊंगा. तो इनमें जो सबसे इजी वाला है वो आपके पास एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक बेल है. सही है, हम लाउड स्पीकर सबसे एंड में करेंगे क्योंकि लाउड स्पीकर सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है इस चीज को समझने के लिए. अच्छा, एक चीज याद रखिएगा आप अपने पास हमेशा. यहाँ हमने अब तक ये बात सीखी थी कि एक कॉइल ऑफ वायर अगर आपके पास है तो उस कॉइल ऑफ वायर के अराउंड आपको एक मैग्नेटिक फील्ड मिलती है. इफ आई हैव अ कॉइल ऑफ वायर, आई डू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड. लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में हम इस कॉइल ऑफ वायर को एज इट इज प्लेस नहीं करते, मतलब ये हवा के अंदर रैप नहीं होता, इट्स नॉट रैप्ड इन थिन एयर. आप जनरली क्या करते हैं, यू रैप इट अराउंड अ कोर व्हिच इज मेड आउट ऑफ आयरन. हम आयरन के एक सिलेंडर के ऊपर अपने इस वायर को रैप करने का काम करते हैं, यूज आयरन कोर. तो आप जितनी एप्लीकेशंस देखेंगे उन सब के अंदर आपको एक बात नजर आएगी कि योर वायर वुड हैव बीन रैप्ड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर. सही, इसको सॉफ्ट आयरन बोला जाता है और इसका जो वर्ड यहाँ पे सॉफ्ट यूज हो रहा है वो इस पर्सपेक्टिव में यूज हो रहा है कि ये मैग्नेटिकली सॉफ्ट है, ये इजिली मैग्नेटाइज हो जाता है और इजिली डीमैग्नेटाइज. असल में हम अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट को एक बार मैग्नेट की तरह फील करवाना चाहते हैं, तो इसलिए कॉइल को हवा में रैप नहीं करते, हम कॉइल को एक आयरन के सिलेंडर या आयरन के पीस पर रैप करते ताकि जब कॉइल में से करंट जाए और उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड ये आयरन एब्जॉर्ब कर ले और आयरन खुद एक मैग्नेट बन जाए. सही, तो आयरन को यूज करने का जो पर्पस था वो यही था, आयरन एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटीरियल, तो इट एब्जॉर्ब्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इट एब्जॉर्ब्स और शुड आई से इट्स एब्जॉर्ब मैग्नेटिक फील्ड एंड टर्न्स इटसेल्फ इनटू अ मैग्नेट. तो अब क्योंकि आयरन मैग्नेटिक फील्ड्स एब्जॉर्ब करेगा और वो आपकी फील्ड लाइंस करीब करीब आ जाएंगी, तो उससे होता ये है कि आपके पास ये पूरा सिलेंडर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर, तो किसी भी चीज को अट्रैक्ट रिपेल करने के लिए इट बिकम्स इजियर फॉर यू. खाली कॉइल आप प्लेस करोगे ना तो उसकी फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आएगी. इसलिए आप जितनी एप्लीकेशंस देखोगे उन सब के अंदर नॉर्मली हम अपने इस वायर को एक आयरन के सिलेंडर के ऊपर रैप करते. अच्छा, स्टील के ऊपर कभी रैप नहीं किया जाता, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर बनाने के लिए इस चीज को आप स्टील का नहीं बनाते. यू नेवर रैप योर वायर अराउंड स्टील. इसका रीजन है, आपको याद होगा जब मैं आपको डिफ्रेंशिएट करवा रहा था बिटवीन हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स, तो स्टील एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, और स्टील के बारे में हमने ये कहा था कि स्टील को मैग्नेट बनने में भी बहुत टाइम लगता है और एक बार जब वो मैग्नेट बन जाता है तो उसकी डीमैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस भी बहुत स्लो होता है, मतलब एक परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करता है. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के केस में आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आप एक ऐसे मेटल का इस्तेमाल करें जो जैसे ही आप वायर में करंट भेजें मैग्नेट बन जाए और जैसे ही वो करंट स्विच ऑफ हो तो उसकी मैग्नेटिज्म खत्म भी हो जाए, मतलब उसमें टाइम डिले नहीं आना चाहिए. तो इसीलिए ये जो कोर है ये आयरन का बनाया जाता है, ये स्टील का नहीं बनाया जाता. ये चीज हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि व्हाई इज द कोर मेड आउट ऑफ सॉफ्ट आयरन एंड नॉट स्टील, तो आप उसका रीजन बता सकते हैं कि स्टील इज अ हार्ड मैग्नेटिक मटीरियल, इट विल टेक टाइम टू बिकम अ मैग्नेट, वेयर इज आयरन इज अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटीरियल, इट विल क्विकली मैग्नेटाइज. तो जो उसका टाइम इंटरवल है उस चीज की वजह से आप स्टील की जगह आयरन प्रिफर करने का काम. अब एक इलेक्ट्रिक बेल के अंदर
इलेक्ट्रोमैग्नेट का सिस्टम कह लो कि किस तरीके से वर्क कर रहा होता है, जरा देख। ये इलेक्ट्रिक बल्ब जनरली वो है जो अक्सर हमारे घरों में भी लगी हुई होती है, उसके पास आपके यानी और स्कूल वगैरह के अंदर आपको जनरली ये वाली टिपिकल बेल देखने का मौका मिलता है, जिसमें एक गोंग होता है जिसको एक हैमर हिट करता है और एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, इस बात को जरा समझ। इसमें कुछ मेजर चीजें हैं, मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ पहले, और ये डायग्राम याद रखने की जरूरत नहीं होती, आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। आपको अप्लायंस कुछ भी मिल सकता है, आपका जो आपके पास टैलेंट होना चाहिए वो ये है कि आप डायग्राम को देखें, उसको प्रोसेस करें, और प्रोसेस करके फिर आप कंक्लूजन दें कि अच्छा भाई ये चीज ऐसे काम कर रही है। जैसे मैं इलेक्ट्रिक बेल के लिए अगर दूं, तो देखो इलेक्ट्रिक बेल में यू हैव सेल, डेफिनेटली इसकी जरूरत क्यों है भाई कि आपको कॉइल में करंट भेज रहे हैं। फिर आपके पास एक आयरन का हॉर्स शू या यू शेप मैग्नेट कह लो के बना हुआ है, जिसके ऊपर आपने एक साइड पे वायर लपेटा हुआ है और दूसरी साइड पे भी आपने वायर रैप किया, ताकि ये पूरी चीज आपके पास एक मैग्नेट बन सके। फिर उससे एक वायर निकल के जा रहा है एक स्प्रिंगी मेटल स्ट्रिप के। स्प्रिंगी मेटल स्ट्रिप क्या चीज है, अगर मैं उसको हवाला दूं तो स्प्रिंगी मेटल स्ट्रिप एक बहुत थिन स्ट्रिप होती है मेटल की जो बेंड हो सकती है। स्प्रिंगी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बेंडेबल होती है, थिन होती है ना, तो आप उसको बेंड करके रिलीज करें तो आपके स्केल की तरह होती है। और उसके साथ ये हैमर अटैच हुआ। इस हैमर का काम ये है कि जब वो इस गोंग को हिट करेगा तो एक साउंड प्रोड्यूस हो। अच्छा, कॉन्टैक्ट स्क्रू असल में इसकी पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए होता है। ये अभी के लिहाज से इतनी इंपॉर्टेंस में नहीं रहता, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये देखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज। तब देखिए होता क्या है, जैसे ही आप बेल का बटन प्रेस करते हैं, आपका जो सर्किट है जो अभी डिस्कनेक्ट हुआ हुआ था वो क्लोज हो जाता, मतलब आपके पास पूरा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो। सर्किट कंप्लीट होने से क्या होगा भाई, आपके बैटरी से करंट फ्लो करेगा, ये करंट यहां तक आएगा और उसके बाद इस कॉइल के अंदर ट्रैवल करना शुरू कर देगा, जिस तरह से आपको एरोज बना के दिखाई देंगे। और यही वायर आपके पास ऊपर वाले एंड पे भी रैप हुआ है, तो उसके अंदर भी आप एरोज देख सकते हैं कि करंट कैसे जा रहा है। यहां से करंट वापस आएगा बाहर, उसके बाद स्प्रिंगी मेटल स्ट्रिप से होता हुआ कॉन्टैक्ट स्क्रू एंड देन बैक इनटू द नेगेटिव टर्मिनल। अब होता क्या है, देखो जैसे ही आपके इस कॉयल में से करंट ट्रैवल करता है, ये कॉयल बन जाता है एक मैग्नेट, क्योंकि आपको पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो जैसे ही कॉइल के अंदर से करंट की मोशन मूवमेंट शुरू हुई, इस कॉइल के अराउंड बनी एक मैग्नेटिक फील्ड, और क्योंकि ये कॉइल रैप हुआ हुआ था एक आयरन के ऊपर, तो आपके पास ये पूरा आयरन एक मैग्नेट बन चुका है। अब बीइंग अ मैग्नेट इसने क्या करना, बीइंग अ मैग्नेट ये क्या करता है, ये हैमर को अपनी तरफ पुल करता है, क्योंकि मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो यहां पे उसने क्या किया कि जैसे ही आपके कॉइल में से करंट गया और ये ब्लू वाला सी शेप मैग्नेट जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, इसने इस हैमर को अपनी तरफ पुल किया। ये स्प्रिंगी मेटल स्ट्रिप इस सिलसिले में बेंड होती है, मैं आपको दिखाता हूं ये किस तरह से नजर आएगी। इसको मैं थोड़ा सा यहां से इरेज कर दूं पहले, ताकि आपको उसके बाद के हालात नजर आए कि भाई ये सिचुएशन यहाँ बनी भी क्या हो। थोड़ा सा रफ सी डायग्राम होगी, लेकिन हो सकता है इसमें थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। ये हैमर ऐसा होगा, अभी ऐसे यहाँ पे जो आके इस वक्त इस गोंग को हिट कर चुका होगा, और ये स्प्रिंगी मेटल स्ट्रिप आपके पास बेंड हुई भी, क्योंकि उसको बनाया उन्होंने स्प्रिंग ही था ताकि वो एक फ्लेक्सिबल हो, और जब आप ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है आपके हैमर को अपनी तरफ पुल करे तो ये मेटल स्ट्रिप बेंड हो जाए ताकि आके इसको हिट कर सके, और यहाँ पे हैमर गोंग को हिट कर चुका है। इस वक्त आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक, क्योंकि हैमर ने गोंग को स्ट्राइक किया है तो एक साउंड प्रोड्यूस हुई। लेकिन द मोमेंट दिस हैपेंस मेरे बच्चे एक और चीज होती, एक मिनट रुकना जरा, अजान हो जाए फिर मैं आगे समझा।
अच्छा भाई, तो हम यहाँ पे थे कि व्हाट हैपेंस व्हेन द हैमर्स इट्स द गोंग ना. अब देखो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे, ये स्प्रिंगी मेटल स्ट्रिप क्योंकि बेंड हो चुकी है तो इसका जो कांटेक्ट बना हुआ था स्क्रू के साथ वो गायब हो गया. मतलब अ फ्यू मोमेंट्स अर्लियर हालात कुछ ऐसे थे. और स्ट्राइक करते ही आपके पास सिचुएशन ये हो गई. इससे पहले ये पोजीशन थी, स्प्रिंगी मेटल स्ट्रिप आपके मेटल आपके कॉन्टेक्ट स्क्रू के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन जब मैग्नेट ने हैमर को पुल कर लिया तो वो कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया. अब जैसे ही कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा सर्किट में करंट ऑफ, क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए सर्किट कंप्लीट होना जरूरी होता है. तो यहाँ पे ऑल द बैटरी लगी हुई है लेकिन क्योंकि कॉन्टैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था तो आपके पास सर्किट का करंट ऑफ हो जाएगा. अब यहाँ पे गौर से समझिए, जैसे ही सर्किट में करंट ऑफ होगा ये जो थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट बना हुआ था इसकी मैग्नेटिज्म लूज हो जाएगी, क्योंकि ये मैग्नेट बना ही इसलिए था बिकॉज इस कॉइल के अंदर करंट ट्रैवल करता हुआ जाए. तो इस कॉइल में करंट के ट्रैवल होने की वजह से इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड थी. अब जैसे ही करंट सर्किट में से ऑफ हुआ, दिस वन इज नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो जो इसके अंदर एबिलिटी थी हैमर को अपनी तरफ पुल करने की वो खत्म हो. ये स्प्रिंगी मेटल स्ट्रिप इस वक्त अपना वर्क परफॉर्म करेगा क्योंकि ये फ्लेक्सिबल टाइप का स्ट्रिप था और स्प्रिंगी था, तो क्या करेगा ये वापस से इस हैमर को बैक में पुल कर दे और आपका हैमर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाए. तो यहाँ पे थोड़ी देर पहले क्या था भाई, जैसे आपने बटन प्रेस किया था अट्रैक्शन हुई, अट्रैक्शन होने से हैमर ने गोंग को हिट किया, इलेक्ट्रिक बेल बजी. लेकिन जैसे ही हैमर ने इसको हिट किया उस वक्त यहाँ से कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया, करंट खत्म, और करंट खत्म होने की वजह से स्प्रिंगी मेटल स्ट्रिप ने हैमर को वापस पीछे खींच लिया. लेकिन यहीं पे जो अभी थोड़ी देर पहले प्रोसेस हुआ था दोबारा रिपीट हो, क्योंकि बेल का बटन तो आप प्रेस किए हुए हैं, एक मोमेंटेरिली आपके पास ये कॉन्टैक्ट टूटा था, जब ये स्प्रिंगी मेटल स्ट्रिप वापस गई कॉन्टैक्ट फिर बन गया, करंट का फ्लो फिर स्टार्ट हुआ, दोबारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बना, इसने दोबारा हैमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और हैमर ने दोबारा गोंग को स्ट्राइक किया. यही प्रोसेस चलता रहता है जब तक आप बेल का बटन प्रेस करके रखते हैं, और तभी आपको जो इलेक्ट्रिक बेल की आवाज सुनाई देती है वो एक कंटिन्यूस नहीं होती बल्कि पल्सेशन के अंदर होती है, कि आपके पास जैसे बार बार हैमर आके गोंग को हिट कर, वो इसीलिए बार बार इसको हिट करता है क्योंकि जैसे ही ये अट्रैक्ट होता है कॉन्टैक्ट खत्म होने की वजह से करंट रुक जाता है, ये वापस चला जाता है, फिर दोबारा सर्किट में जैसे ही करंट आता है ये वापस आ जाता है. तो ये कंटिन्यूअसली बैक एंड फोर्थ मूव करता रहता है जिससे आपको एक ट्रिंग की जो आवाज है वो सुनाई देती है. कंटिन्यूअस आवाज नहीं होती, मतलब एक रिदम में नहीं होती, वो कंटिन्यूअस पल्सेशन आपके पास आ रही हो. तो इस वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक बेल का ये वाला जो कह लो के साउंड है वो प्रोड्यूस. पेपर के एतबार से आपसे ये पूरी डिस्क्रिप्शन हो सकता है कि भाई स्टेप बाय स्टेप निकलवा लीजिए, लिखवा लीजिए, वरना 3 मार्क के लिए आपसे पूछ सकता है कि ये इलेक्ट्रिक बेल वर्क कैसे कर रही है. तो उन 3 मार्क के लिए आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि भाई यहाँ हुआ क्या. मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई भी है और इसीलिए मैंने नोट्स में इंक्लूड भी कर दिया ताकि आपके लिखने का टाइम बचे और आप इसको समझ सकें. अब इसमें अगर कोई बात ऐसी है जो समझ नहीं आई है तो वो पूछ लो ताकि मैं एक्सप्लेन करूँ, फिर मैं आगे वाले कुछ डिवाइसेस एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है भाई, तो हम जरा आते हैं अब जरा आगे की तरफ. इसी तरह का हमारे पास एक और कंपोनेंट है जिसे हम कहते हैं रिले. रिले जनरली आप लोगों ने शायद ना देखा हो अपने एवरीडे लाइफ के अंदर, लेकिन गाड़ियों वगैरह के अंदर रिलेज लगे हुए होते हैं जो आपके हैंडल के साथ मौजूद इंडिकेटर्स वगैरह को, यानी लीवर आर्म्स को आपकी गाड़ी के हेडलाइट, इंडिकेटर्स, हॉर्न, इन सब चीजों के साथ लिंक करते हैं. रिले क्या होता है अगर मैं इसका आइडिया दूं,
एक तरह से ना एक इंटरमीडिएट स्विच के तौर पे काम करता है। इंटरमीडिएट स्विच का मतलब यह है, कभी कभार होता यह है कि अगर आपने कोई मशीन या कोई बड़ी मोटर ऑन करनी होती है ना, तो उसके जो पावर सप्लाई चाहिए होती है वो थोड़ी हैवी वाली चाहिए, मतलब 220 वोल्ट एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन योर सेल। अब प्रॉब्लम ये होती है कभी कभार कि डायरेक्टली स्विच से एक्सपोज होना हमारे लिए थोड़ा खतरनाक होता है, कि हम खुद जाके इतने हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज और करंट वाले सर्किट को स्विच ऑफ या स्विच ऑन करने जा रहे हैं, तो हमें चांस होता है कि भाई इलेक्ट्रोशॉक लग सकता है। तो हम चाहते हैं कि भाई हमारी इंटरवेंशन के बजाय हम कंप्यूटर के थ्रू ही कोई सिग्नल भेज दें और वो स्विच ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ। तो हम अपने आप को स्विच को टच नहीं करवाना चाहते। तो इस चीज को अचीव करने के लिए हमें एक इंटरमीडिएट स्विच की जरूरत होती है जो हमारे एक्शन को आगे की तरफ फॉरवर्ड कर सके। ये काम करता है हमारे पास एक रिले। सही, आपने रिले रेस भी शायद देखा होगा कभी, तो रिले रेस में भी क्या होता है, पीछे से एक बंदा भागता हुआ आता है, वो हैंडल बार आगे वाले को ट्रांसफर करता है कि भाई अब आगे का काम तुम्हारा, और वो जाके आगे वाले को ट्रांसफर करता है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, रेस कंप्लीट होती है। यही काम इधर भी होता है कि आप एक करंट भेजते हैं रिले को, और रिले का काम है कि वो आगे वाले सर्किट को स्विच ऑन करे, आपने डायरेक्टली उसको स्विच ऑन नहीं करना। अब रिले काम किस तरह से करता है इस चीज को जरा देख, ये एक सिंपल डायग्राम है एक रिले की। ओरिजिनल रिले थोड़े सा तो कॉम्प्लेक्स होते हैं, खैर ला दीजिए बात है, लेकिन इट्स जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हाउ A basic schematic of a relay looks like. इस रिले के अंदर जो आप ये ब्लू कलर से देख रहे हो, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर है जो आयरन का बना, सॉफ्ट आयरन कोर, और उसके ऊपर ये वायर आपने रैप कर दिया ताकि जब इसमें से करंट जाए तो वायर के अराउंड की मैग्नेटिक फील्ड इस आयरन कोर को इलेक्ट्रोमैग्नेट बना। ये जो ए बी आप देख रहे हैं, ये ए बी आपके पास कनेक्ट होते हैं आपके सर्किट से, जिसको आप स्विच ऑन करेंगे या स्विच ऑफ करेंगे, जो कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट प्रोवाइड करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मैंने यहाँ पे एक सर्किट बनाया है, और उस सर्किट के अंदर मैंने ज्यादा कुछ नहीं, बस एक अदद बैटरी लगा दी, ये हमारे पास यहाँ पे एक बैटरी आ गई एंड अ स्विच। जो कि अभी थोड़ी देर के लिए ऑन हुआ, यानी स्विच ऑफ हुआ, वैसा तो करंट नहीं था। मैं जैसे ही इस स्विच को क्लोज करूंगा, ये मेरा स्विच क्लोज हो गया, तो मेरे सर्किट में करंट ट्रैवल करना शुरू कर दे, यहां से करंट पास होगा, आपके पास ये वायर के अंदर आएगा, ठीक है, और आपके पास बन जाएगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, ये इस आयरन आर्मेचर को अपनी तरफ करेगा पुल, ये इस आयरन आर्मेचर को अपनी तरफ करेगा पुल, अट्रैक्ट करेगा, और देखिए ये आयरन आर्मेचर इस कॉर्नर से पिवट हुआ, मतलब ये रोटेट कर सकता है इसके अब। तो जैसे ही आयरन आर्मेचर हुआ पुल इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ, ये रोटेट हुआ अबाउट दिस पिवट, और जब ये रोटेट होगा इस तरह से, तो ये चीज ऊपर की तरह मूव करेगी, दिस आयरन आर्मेचर मूव्स टुवर्ड्स द मैग्नेट एंड दिस थिंग मूव्स अप। व्हेन दिस थिंग मूव्स अप, आपके ये कॉन्टैक्ट्स हो जाएंगे क्लोज, क्योंकि ये भी स्प्रिंगी मेटल के टाइप के हैं, तो लाजमी सी बात है जब ये इसे पुश करेगा ऊपर की तरफ तो ये थोड़ा सा बेंड होगा, और बेंड होने के बाद ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। जब ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा, आपका सर्किट वर्किंग ऑर्डर में आ जाएगा। ये जो डीई वाला पॉइंट है, यहां से आपका दूसरा सर्किट कनेक्ट हुआ कि भाई यहां से आपने एक हैवी मशीनरी अटैच की हुई है जिसको हाई अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, मिसाल के तौर पर आप उसको डायरेक्टली ऑन नहीं करना चाह रहे थे, आप चाह रहे थे रिले के थ्रू मैं उसे ऑन करूं। तो जैसे ये क्लोज होगा ये कॉन्टैक्ट, यहाँ जो भी सर्किट था वो कंप्लीट हो जाएगा, वो सिर्फ इसकी वजह से ब्रेक हुआ कि यहाँ पे गैप, बाकी तो सर्किट जुड़ा हुआ था सारा, मोटर और वॉट एवर आपने जो भी लगाना था, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई लगानी थी, कुछ भी लगाना, सब जुड़ा हुआ, यहाँ से कॉन्टैक्ट ब्रोकन। तो
जैसे ये ऊपर लिफ्ट हुआ, ये कॉन्टेक्ट कंप्लीट हो गया, सर्किट कंप्लीट हुआ, आपके पास डीई के अक्रॉस जो सर्किट था वो चलना शुरू। तो इस तरह से रिले काम करते हैं। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछो। अच्छा भाई, अब हम बात करते हैं रीड स्विच की। रीड स्विचेस रिले की तरह ही होते हैं, इनमें बस थोड़ा सा डिफरेंस ही होता है कि ये थोड़े डेलिकेट हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ करंट्स के लिए डिजाइन नहीं है। स्मॉल अमाउंट ऑफ सर्किट्स या स्मॉल करंट्स वगैरह को हैंडल करने के लिए हम रीड स्विच का भी इस्तेमाल करते हैं। लाइट ग्रे मेटल रॉड कॉल, लाइट ग्रे मेटल रॉड का है भाई, यू टॉकिंग अबाउट दिस? ये तो एक वो मेरे बच्चे इसकी आउटर बॉडी है, उसको हैंडल कर तमाम चीजों को होल्ड करने के लिए। ये कोई पर्टिकुलर मतलब चीज नहीं है। अच्छा भाई, अब अगर हम रीड स्विच की बात करते हैं तो रीड स्विच किस तरह से वर्क करता है, जरा हम आपको यहां देखिए। रीड स्विच में होता यह है कि आपके पास दो मेटल की स्ट्रिप्स होती हैं जो एक दूसरे के क्लोज रखी हुई, और ये पूरी चीज एक मेट कह लो के ग्लास के या प्लास्टिक के एक सिलेंडर के अंदर इनक्लोज हो। इसके ऊपर हमने एक कॉइल ऑफ वायर जो है वो रैप किया हुआ होता है। इसके ऊपर हमने एक कॉइल ऑफ वायर ऐप किया हुआ और इस कॉइल ऑफ वायर के अंदर से करंट ट्रैवल करता है। इस कॉइल ऑफ वायर को करंट सप्लाई करने के लिए हमने खुद कनेक्शन देना होता है, जैसे हम यहाँ पे रिले को दे रहे थे अपने पास एक बैटरी वगैरह लगा के। इसी तरह आप रीड स्विच को भी खुद करंट सप्लाई करते हो बैटरी वगैरह अटैच करके। तो जब इस कॉइल के अंदर करंट ट्रैवल करता है ना, तो जैसे पहले हो रहा था बिल्कुल अभी भी यही होगा भाई। आपके पास करंट होने की वजह से इस कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। हमने आपको ये तरीका बताया कि मैग्नेटिक फील्ड को फिगर आउट कैसे किया जाता है कॉइल ऑफ वायर के अंदर। तो मैंने कहा था कि यू यूज द राइट हैंड ग्रिप रूल। उस राइट हैंड ग्रिप रूल में मैंने क्या बताया था कि आप अपनी फिंगर्स को कर्ल कीजिएगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे आप देख सकते हैं कि भाई कॉइल के अंदर करंट इज मूविंग फ्रॉम फ्रंट टू बैक, इस तरह से जा रहा। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी फिंगर्स को इस करंट की डायरेक्शन में कर्ल करना है, जैसे आप कॉइल को ग्रिप करना चाह रहे हैं, और आपके फिंगर्स उसी डायरेक्शन में मूव करें जिस डायरेक्शन के अंदर आपके पास करंट चल। तो इफ यू कर्ल योर फिंगर्स, तो आप देखेंगे आपका थंब पॉइंट करेगा लेफ्ट की तरफ, राइट हैंड आपने यूज करना। तो यू कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड योर थंब इज गोना पॉइंट टुवर्ड्स द लेफ्ट। दिस मींस दिस थंब इज टेलिंग यू द नॉर्थ पोल। उस रूल का यही तरीके का, you curl your fingers in the direction of current and your thumb points in the direction of north pole. तो मुझे पता चल गया कि अच्छा भाई ठीक है, coil का north pole इस तरफ आ रहा और south pole इस side के ऊपर। Using the right hand grip rule हमने ये बात कंक्लूड की। अब क्योंकि आपके पास
इस कॉइल के अंदर दो मेटल की स्ट्रिप्स रखी हुई है और वो आयरन की बनी हुई होगी, तो वो इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से खुद मैग्नेटाइज हो जाएंगी और उन पे भी वैसे ही पोल जाएंगे जैसे कि आपके कॉइल के अराउंड आ रहे थे कि भाई लेफ्ट पे नॉर्थ राइट पे साउथ, क्योंकि दोनों स्ट्रिप्स आपके इस कॉइल के अंदर मौजूद है। तो हमारे पास कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो स्ट्रिप्स है उसमें भी लेफ्ट पे नॉर्थ राइट पे साउथ, दूसरे वाले स्ट्रिप पे भी लेफ्ट पे नॉर्थ राइट पे साउथ, और ये जो एंड्स आप देख रहे हैं यहां से, ये एंड्स आपके पास किसी ना किसी सर्किट से कनेक्ट हुए हुए होते हैं जिसको आपने चलाना होता है। अब होता क्या है भाई, जैसे ही कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड इन स्ट्रिप्स को मैग्नेटाइज करती है और इनके लेफ्ट और राइट पे नॉर्थ एंड साउथ प्रोड्यूस होता है, आप ये देखते हैं कि ये दो एंड्स जो एक दूसरे के थोड़े क्लोज थे, यहाँ पे आपके पास अनलाइक पोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ऊपर वाले स्ट्रिप पे साउथ है इधर और नीचे वाले स्ट्रिप पे नॉर्थ है, और क्योंकि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, जैसे ही कॉइल में करंट जाता है और इन पे पोल्स आते हैं, ये स्ट्रिप्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, जिससे आपका जो नीचे जो भी सर्किट लगा हुआ था, जिसको भी आपने ऑन करना था लैंप वैम्प वगैरह, वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और आपका वो लैंप ग्लो करना शुरू। तो इसका वर्किंग मैकेनिज्म काफी हद तक वैसा है जैसे रिले का। रिले थोड़ा सा और मैकेनिकल सा है क्योंकि वो हैवी ड्यूटी है, लार्ज करंट्स के लिए डिजाइंड है वो, लेकिन रीड स्विच इतना हैवी ड्यूटी नहीं है स्मॉल करंट्स के लिए, इसलिए सिर्फ हम डायरेक्टली मेटल की स्ट्रिप्स को उसके करीब ला के रख देते हैं दूसरे के बहुत, कि थोड़ा सा भी करंट जब जाए इसके अंदर तो उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इन स्ट्रिप्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करे और ये स्ट्रिप्स एक दूसरे से कॉन्टैक्ट और आपका सर्किट कंप्लीट कर दे। ये रीड स्विच का मैकेनिज्म। इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछो। बेटा द ग्लास इज नॉट बिकमिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ग्लास तो सिर्फ आपके पास इन स्ट्रिप्स को होल्ड करने के लिए एक बॉडी है, दैट्स इट। इसमें आपने कोई आयरन का सिलेंडर विलेंडर यूज नहीं किया, बस ग्लास एक हाउसिंग के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा भाई, अब आते हैं सर्किट ब्रेकर के ऊपर। सर्किट ब्रेकर का जो वर्किंग मैकेनिज्म है, मैं चाहूंगा कि आप इसको पहले जरा खुद प्रोसेस करने की कोशिश करें, देखेंगे सर्किट ब्रेकर किस तरीके से ऑपरेट कर रहा होगा और कैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा और इसके अंदर सिनेरियो चल क्या रहा है। बल्कि मैं ये भी लिखी ये भी शो कर देता हूँ, हो सकता है कि आप इसको पढ़ते हुए खुद इसको प्रोसेस कर सकें, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन पेपर में असेस होने वाले सबसे ज्यादा चीजों में से एक मॉडल है। फिर हम लाउडस्पीकर की तरफ बढ़े।
नहीं दे वोंट बी आस्किंग यू वेयर दे आर यूज्ड इन रियल लाइफ, डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. वो आपसे जब ये पूछते हैं कि हाउ डी हाउ लाइक हाउ डज दिस थिंग वर्क्स, बेसिकली उसका वर्किंग मैकेनिज्म. अच्छा भाई, अब आई होप आप लोगों ने थोड़ा बहुत प्रोसेस किया होगा कि सर्किट ब्रेकर का जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो किस तरह का था. इसमें भी देखो वही इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज है, की एप्लीकेशन है. सर्किट ब्रेकर का जो पर्पस है, पहले तो अगर उस चीज को समझ लो तो आपको इसके वर्किंग मैकेनिज्म को समझना भी आसान हो जाएगा. देखो सर्किट ब्रेकर का जो मेन टास्क होता है वो अपने घर में आते हैं, जैसे आपके घरों में आप देखा होगा जो मेन बोर्ड्स लगे हुए हैं उनके साथ अटैच होता है. इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि अगर सर्किट में आपके घरों के करंट रिक्वायर्ड वैल्यू से ज्यादा आ जाए तो वो सर्किट को ट्रिप कर दे और आपके हाउस होल्ड अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट कर. अब ये काम ये किस तरह से करता है जरा इसको देखो. ये एक फ्यूज की जगह पर इस्तेमाल होता है. पहले तो फ्यूज लगा करते थे, अब सर्किट ब्रेकर से. इस्तेमाल ऐसे होता है कि आपके पास एक आयरन का सिलेंडर होता है जिसके ऊपर एक वायर आपने आप देख रहे हैं कि रैप किया हुआ है. और ये इस वायर यहां से होता हुआ इस कॉन्टैक्ट के थ्रू एक कॉपर के बार से अटैच. कॉपर का बार इसलिए क्योंकि कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है. करंट आपके पास यहाँ से आता है कॉइल से होता हुआ, आपके कॉपर बार से होता हुआ इस तरह ये बाहर निकलता है और ये आपके घर में आता है. ठीक, करंट इस तरह से आपके हाउस में एंटर हो रहा होता है. अब होता यह है कि अभी आप देख सकते हैं स्प्रिंग आपने पीछे अटैच किया हुआ जो कि इस कॉपर बार को अपनी तरफ पुल करने का काम कर रहा है, लेकिन इस आयरन की वजह से ये जो आपने बीच में अटैच की हुई है ये कॉपर बार पीछे नहीं जा पा रही. इलेक्ट्रोमैग्नेट अभी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ पे है क्योंकि करंट तो ट्रैवल कर रहा है, लेकिन इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी एबल टू लिफ्ट अप द आयरन बार. सो द एंटायर सिस्टम इज इन वर्किंग ऑर्डर. लेकिन जिस वक्त ये अमाउंट ऑफ करंट जो आपके कॉइल में आ रहा था, जो आपके घर में आ रहा था, वो इंक्रीज होता है और रेटेड वैल्यू से ऊपर चला जाता है. रेटेड वैल्यू मींस जैसे सर्किट ब्रेकर पर लिखा था भाई 13 एम्पीयर्स, कि भाई एनी करंट अबव 13 एम्पीयर्स विल कॉज इट टू ट्रिप. तो अगर सर्किट में ट्रैवल करने वाला करंट 13 एम्पीयर्स को क्रॉस कर जाता है तो द इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकम्स स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट अप द आयरन बार. फोर्स पहले भी लग रही थी लेकिन द फोर्स वाज नॉट इनफ टू लिफ्ट इट अप. सी, फोर्स पहले भी थी बट इट वाज नॉट इनफ टू लिफ्ट अप द आयरन बार. लेकिन व्हेन द करंट क्रॉसेस दिस थ्रेशोल्ड वैल्यू, अब आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो चुकी है एंड इट्स नाउ इनफ कि वो आयरन बार को लिफ्ट करे. जैसे ही आयरन बार लिफ्ट होगा दिस स्प्रिंग जो इस कॉपर बार को पुल कर रहा था इट विल बी एबल टू पुल इट बैक. और जैसे ही ये स्प्रिंग कॉपर बार को पीछे की तरफ खींचेगा कॉपर बार ऐसा हो जाएगा और ये जो कॉन्टैक्ट बना हुआ था आपके पास सर्किट कंप्लीट करने के लिए ये कॉन्टैक्ट आपका ब्रेक हो जाए. जो आपका करंट आ रहा था ये करंट अब आगे की तरफ आपके हाउस में नहीं एंटर हो सकता और आपके घर के अप्लायंसेस बच जाते. तो सर्किट ब्रेकर का जो पर्पस था वो यही था कि भाई जब करंट की वैल्यू इंक्रीज हो तो स्प्रिंग आपके पास इस कॉपर बार को अपनी तरफ पीछे पुल कर ले क्योंकि आयरन ऊपर की तरफ लिफ्ट हो चुका है और सर्किट को ब्रेक कर. इसकी वैल्यू को आप एडजस्ट करवा सकते हो डिपेंडिंग कि आपके दरमियान में यहाँ पे गैप कितना है. आप अगर इस सिलेंडर को इस बार के और करीब कर दोगे तो और कम करंट के अंदर इसे लिफ्ट कर लेंगे क्योंकि मैग्नेट क्लोज होगा आयरन बार के तो फोर्स स्ट्रांग लग सकती है. आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के भी कम करंट पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट प्रोड्यूस करने का काम कर सकते हैं. तो आप इसकी फोर्स को इसकी वैल्यू को एडजस्टेबल बना सकते हैं. लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कभी पूछ ले एग्जाम कि मैं अगर मैं चाहता हूँ कि इससे भी कम करंट के ऊपर ये चीज लिफ्ट हो जाए तो मैं क्या करूँ, तो आप कह सकते हैं कि भाई आप या तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को आयरन बार के करीब लेकर आ जाए या नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें इसके ताकि कम करंट पे भी जितना स्ट्रांग हो जाए आयरन बार लिफ्ट कर सके. यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो. मैं ये दोनों रीजन लिख देता हूं. एक तो ये था कि भाई If you're gonna bring the electromagnet close to iron bar,
और दूसरा आपके पास ये है, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइन. इस दोनों से आपको जो चीज अचीव होती है वो ये है कि भाई इवन स्मॉल करंट वुड नाउ कॉज द ब्रेकर टू ट्रिप. You clear on that? ठीक है. So we're gonna keep the lesson till here today. मैं इंशाल्लाह एक लाउड स्पीकर बच गया, वो मैं नोट्स में शेयर कर रहा हूँ. अगली क्लास के अंदर हम उसे भी डिस्कस करके फिर एप्लीकेशंस के ऊपर ऑफ कह लोगे डीसी मोटर्स के ऊपर चले जाएंगे. ठीक है, टिल देन टेक केयर मेरे बच्चों, ख्याल रखना. अल्लाह हाफिज़.